नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो आज के वीडियो में बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में। अगर आप भी ये लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बगैर हम वो बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाते और डिसीज़न नहीं ले पाते। तो आज के वीडियो में आपको यही क्लियर किया जाएगा कि इसमें कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ये अभी बिजनेस नया है और किसी को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कितना प्रॉफिट इस बिजनेस में हो सकता है। तो यही डाउट आज के वीडियो में आपका क्लियर किया जाएगा कि इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप सभी से यही कहूंगा कि इस चैनल का एक ही मोटिव है कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहां से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट वो आपके लिए रहेंगे। और इस चैनल के साथ जुड़िएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले एक बार आप इसको सिंपल वे से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपका प्रॉफिट किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ आपके पास पेट्रोल पंप है तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में पेट्रोल या डीजल आप कंपनी से खरीदते हो एंड फिर आप उसको कस्टमर को सेल आउट कर देते हो। तो जो भी आप कंपनी ने जिस रेट पे आपको दिया, यानी कि आप सपोज़ 70 रुपीज़ आपने कंपनी से वो पेट्रोल या डीजल लिया एंड उसको कंपनी ने डिसाइड किया कि 2 रुपीज़ पर लीटर आपका कमीशन रहेगा, तो आपने 72 का वो कस्टमर को बेच दिया। तो जो भी आपने बढ़ा के बेचा, यानी कि जो भी कमीशन आपने ऐड किया, वही आपका प्रॉफिट होता है। तो इसमें भी आपका वही रहेगा, मगर इसमें आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, पेट्रोल या डीजल की वजह आपका प्रोडक्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचनी होगी, बिजली बेचनी होगी एंड आप जो गवर्नमेंट आपके लिए जो डिसाइड करेगी कि आपको इतना पर यूनिट देना है। सपोज़ आप गवर्नमेंट को पर यूनिट आपने आपका डिसाइड हुआ कि 5 रुपीज़ पर यूनिट आपको देना है, तो आप क्या करोगे, वही पर यूनिट जब आप कस्टमर को बेचोगे तो वो 7 या 8 रुपए का बेचोगे, क्योंकि इसमें जो मार्जिन रखा गया है 2 से 3 रुपए पर यूनिट रखा गया है। तो वो 2 से 3 पर यूनिट आप जो कस्टमर से आप ज़्यादा लोगे वही आपका मार्जिन रहेगा। तो इस चीज़ को एक बार आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि आपका जो मार्जिन रहेगा वही आपका इसमें प्रॉफिट रहेगा। और उसी के बेस पे आपको मैं पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से ये डिसाइड किया है कि कितना इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, कैसे आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो आई एम श्योर आप मार्जिन समझ गए होंगे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं इसके इंडेक्स की तरफ। तो सबसे पहले एक बार आप मशीनरी देख लीजिए, इसकी मशीनरी कौन कौन सी रहेगी। CCS यानी कि 50 किलो वोट की रहेगी, चेडेमो 50 किलो वोट की रहेगी, टाइप 2AC 22 किलो वोट की रहेगी और फिर भारत DC रहेगा 15 किलो वोट की एंड भारत AC रहेगा 10 किलो वोट। तो इस मशीनरी के बारे में आपको ज़रूर डाउट आ रहा होगा कि ये कौन सी मशीनरी है, इनका क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो इसका नहीं देखा है कि इसमें आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, तो एक बार वो आप देख लेंगे तो आपको ये पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में यह आता है कि कितनी उसकी कॉस्ट रहेगी और कितना उसका प्रॉफिट रहेगा। तो प्रॉफिट मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है, मगर जब तक आप कॉस्ट का वीडियो नहीं देखेंगे कि कितनी कॉस्ट और कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, तब तक आपको पूरा सिस्टम समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जैसे ही आप देखें तो आप चैनल में जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपकी उसमें कितनी कॉस्ट आएगी और कौन कौन सी मशीनरी रहेगी। तो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो मशीनरी डिसाइड की है, 3 जो फास्ट चार्जिंग सिस्टम है ऊपर आपको जो नज़र आ रहे हैं एंड 2 इसमें लो चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे जहाँ पे आप 2-व्हीलर या 3-व्हीलर चार्जिंग करोगे। तो अब देख लेते हैं इसमें आपका प्रॉफिट किस तरह से होगा। तो ये देखिए, इसको अब आराम से सही से समझिए कि जो फर्स्ट मशीनरी है 50 किलो वोट, यानी कि पर आवर आपको वो 50 किलो वोट देगी, तो आपको 20 घंटे आप अगर उसका काम लेंगे, उससे काम करेंगे तो आपको 1000 किलो वोट आपको मिल जाएगा इन 20 आवर्स में।
ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको सेकंड में भी 1000 किलो वॉट यानी कि इतनी यूनिट्स आप सेल आउट कर सकते हैं, और थर्ड में आपको क्या रहेगा 440 किलो वॉट आप उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उसको सेल आउट कर सकते हैं, और थर्ड फिर भारत डीसी में आपका 300 किलो वॉट रहेगा एंड भारत एसी में आपका 200 किलो वॉट रहेगा, यानी कि इतनी आप यूनिट सेल आउट कर सकते हैं पर डे अगर आप 20 घंटे इसको सही से लीजिएगा। अगर 20 घंटे आपका स्टेशन चलता है, 20 घंटे से ये है कि जैसे ही आपकी एक गाड़ी हटी दूसरी गाड़ी आपकी लग गई, क्योंकि उनसे आपको 100% पूरा लेना होगा, तो 20 घंटे आपका चलेगा तो इतने हो जाएगी। तो टोटल यूनिट्स आपकी कितनी हो जाएगी, ये आप समझ गए होंगे कि किस आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपकी जो यूनिट आप है टोटल कर लीजिए, तो आपकी टोटल जो केवी यूनिट्स आपकी हो जाएगी वो 2940 हो जाएगी, यानी कि 20 घंटे में आप इतनी सेल आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 2940 पूरे 20 घंटे में एक दिन में सेल आउट कर लेंगे, तो इसमें मार्जिन अपना देख लेते हैं। तो ये देखिए मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो है 2.523 पर यूनिट आप उसमें मार्जिन कमा सकते हैं, यानी कि 2 से 3 के बीच आप समझ के चलिए। तो हमने इसका बिल्कुल 20 का लिया है एंड ये गवर्नमेंट की ही कोटेशन है, और जो गवर्नमेंट ने ये पूरा प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया था तो उन्होंने जो पूरा इसका डेमो वगैरह दिया था और उसमें बताया गया था कि इतना प्रॉफिट आप इसमें कर सकते हैं। तो पर यूनिट जो भी गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करेगी तो उसमें आपका मार्जिन इतना होगा पर यूनिट में। तो देखिए आपने पूरे दिन में 2940 यानी कि 2940 आपने प्रोड्यूस की, उसको सेल आउट किया यूनिट को, और पर जो आपका मार्जिन रहेगा पर यूनिट 2.5 हमने यहाँ पे लिया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, तो आपका एक दिन का जो प्रॉफिट हो जाएगा 7350 हो जाएगा डेली का। ये सिर्फ आपका मार्जिन है, इसी को फिर आप 365 दिन यानी कि साल का इसमें निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे साल में आप कितना कमा पाएंगे 26,82,750 यानी कि 26 लाख तक आप इसमें कमा सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसमें अर्निंग आपकी हो गई है 26 लाख रुपए एंड इसमें से हम माइनस करेंगे, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, फिर से मैं बोलता हूँ अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए, नहीं तो आपको पूरा ये प्रोसेस समझ नहीं आएगा। तो उसमें जो हमने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लिए थे जो पूरे साल में आपके लगेंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी कि जो आपका लीज रेंट था, आपने जो स्टाफ रखा था और फिर उसके मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा जो हमने लिया था, तो वो था 10,20,000 यानी 10 लाख आप इसको पकड़ के चलिए, तो 26 लाख में से आप 10 लाख घटा दीजिए तो आपका जो प्रॉफिट एक साल में हो जाता है वो 16 लाख अप्रोक्सीमेटली इतना आपका हो जाता है। अगर आप सही तरह से 20 घंटे आपका सही तरह से पूरा वो चलेगा उसी पे बेस रहेगा, तो आपको बता दूँ कि जो बड़े कंडक्टर्स हैं, जो बड़े डिस्पेंसर्स यहाँ पे लगेंगे आपको, जो मैंने CCS एंड CDMO वगैरह बताए हैं, तो वो 20 से 25 मिनट में एक गाड़ी को फुल चार्ज कर देंगे। तो यही रहेगा कि 20 से 25 मिनट बाद जैसे ही आपका वो डिस्पेंसर खाली हो तो दूसरी गाड़ी वहाँ पे लग जाए, तो उसके बेस पे ये प्रॉफिट बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में तो ये नहीं होगा, क्यों अभी आपको पता कि मार्केट में गाड़ियों काफ़ी कमी है, धीरे धीरे होगा, मगर आप इससे समझ गए होंगे कि इससे कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अगर आपको 100% आउटपुट उससे मिले तो। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके मैं पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, यानी कि किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको स्टार्ट किया जा सकता है एंड कौन कौन से लाइसेंस वगैरह या जो भी परमिशंस रहेगी वो किस तरह से आपको लेनी है या किस तरह से आप ले सकते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रहेंगे वो आपके थर्ड वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। एंड जल्दी मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।